मध्य प्रदेश में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। रातों के साथ ही दिन भी सर्द हो रहे हैं। रविवार को 18 जिलों में 60 डिग्री से कम तापमान दर्ज किया गया। राजगढ़ और दतिया सबसे ठंडे रहे। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाएं तापमान गिरा रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में फसल पर बर्फ की परत भी देखी गई। मौसम विभाग ने 15 जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है। जानकारों की माने तो 19 जनवरी तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी बनी रहेगी। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। छतरपुर में हल्का कोहरा रहा। भोपाल, धार और इंदौर जिलों में शीतल दिन रहा। राजगढ़, रतलाम, छतरपुर, सागर, दतिया और ग्वालियर जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा। राजगढ़, छतरपुर, गुना, दतिया और ग्वालियर जिले में पाले का प्रभाव रहा। प्रदेश का सबसे कम तापमान 2 डिग्री रहा, जो कि दतिया और राजगढ़ में दर्ज किया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर परिक्षेत्र के ग्राम खिचकड़ी में दहशत फैलाने वाले बाघ को कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ लिया है। रविवार को बाघ को गढ़रोला गांव के पास देखा गया था, जहां उसने एक जानवर का शिकार किया था। इसी दौरान गश्ती दल ने बाघ को देखा और डॉक्टर नितिन गुप्ता के निर्देशन में रेस्क्यू टीम ने बाघ को पिंजरे में कैद कर लिया। बाघ के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे स्वस्थ पाया गया, जिसके बाद उसे कोर क्षेत्र के घने जंगलों में छोड़ दिया गया है। वहीं बाघ के पकड़े जाने की खबर मिलने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उस घटना के बाद से लगातार गश्ती की जा रही थी और जो हमारे पास कैमरा ट्रैप थे, हाथी थे, ड्रोन थे और गश्ती दल था, सभी के माध्यम से हाथी, एलिफेंट और बाकी सारी चीजों के माध्यम से टाइगर को आइडेंटिफाई किया गया। और टाइगर की जैसे ही लोकेशन मिली, 4-5 दिनों से लगातार हमारा 70-80 लोगों का दल और 6 हाथी और बहुत सारी गाड़ियां, गश्ती दल लगातार प्रयास कर रहे थे। जैसे ही उसकी सूचना मिली, उसको पकड़ लिया गया है। रेस्क्यू करके उसे डॉक्टर द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के बाद योग्य पाया गया और किसी प्रकार के कोई उसको चोट नहीं थी। किसी प्रकार से पूर्णतः स्वस्थ होने से उसको कोर क्षेत्र में छोड़ दिया। बाघ लंबे समय से रिहायशी इलाके में दहशत फैला रहा था। वहीं बाघ के हमले में बीते दिनों एक 16 वर्षीय नाबालिग की जान चली गई थी। घटना के बाद से ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का अमला बाघ का रेस्क्यू करने में जुटा हुआ था। करीब 6 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद रिजर्व के अधिकारियों ने बाघ को पकड़ने में सफलता हासिल की। छतरपुर में एक शराबी युवक ने गधे की सवारी करने का मन बनाया तो गधे ने भी उसे नकार दिया, जिसके बाद शराबी युवक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सोशल मीडिया पर शराबी युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला छतरपुर शहर के बस स्टैंड का है, जहां एक शख्स ने इतनी शराब पी ली कि वह सुध-बुध ही खो बैठा और घंटों तक ड्रामा करता रहा। बताया जा रहा है कि युवक ने इतनी अधिक मात्रा में शराब पी रखी थी कि वह नशे में धुत होकर चल भी नहीं पा रहा था। 2 कदम चलने के बाद वह जमीन पर गिर जा रहा था। काफी देर तक जमीन पर बेसुध पड़े रहने के बाद जब उसे थोड़ा होश आया तो वह वहां से निकलने लगा। उसके बाद उसे सड़क पर एक गधा दिखाई दिया, जिसके बाद शराबी ने गधे पर बैठने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह गधे के ऊपर से गिर गया। इस दौरान शराबी को छोटी मोटी चोटें आईं, हालांकि नशे में होने के चलते उसे पता नहीं चल सका। घंटों तक यह नजारा चलता रहा, जिसे लोगों ने कैमरे में कैद किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक अनोखे प्रेम विवाह का मामला सामने आया है। इस विवाह की हर तरफ तारीफ हो रही है। ये प्रेम विवाह अंतरजातीय होने के साथ ही बेहद खास भी है। वहीं विवाह की रस्में भी अन्य शादी समारोह से अलग रही। जहां लोग अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों के बंधन में बंधते हैं, तो वहीं बैतूल के एक वकील और एक शिक्षिका ने देश के संविधान को साक्षी मानकर विवाह किया। वहीं मंत्रों की जगह जोड़े ने भारतीय संविधान की उद्देशिका को पढ़ा। राजश्री और दर्शन बीते 12 साल से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लंबे इंतजार के बाद दोनों ने अपने परिजनों से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। राजश्री और दर्शन दोनों ही अलग अलग जाति के हैं। दोनों के अंतरजातीय विवाह को परिजनों ने भी सहमति दी। आज के समय में जो जातिगत भावना चल रही है कि हमारी जात में शादी करना है, दूसरा आजकल लेन देन की बहुत ज्यादा प्रथा हो गई है, जिसको दहेज कहते हैं, उन सब चीजों से हटकर दर्शन एक डायनेमिक लड़का है और वकील है ही और सबको सहयोग भी करता है और बड़ा सोशल है, इसलिए उसका ये कदम बहुत ही अच्छा है और ये प्रेरणादायक है।
जब दर्शन और राजश्री से पूछा गया कि उन्होंने पारंपरिक रस्मों की जगह इस तरह से शादी क्यों की, तो वर और वधु ने कहा कि हमारे संविधान ने ही हमें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया है। जी, हमारा संविधान ही हमें प्रमुख छह मौलिक अधिकार दिए हैं जिन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। उनमें से एक अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी पसंद को चुनने का अधिकार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किसी के लिए भी, और उसी को उपयोग करते हुए आज हम इस परिणय सूत्र में बंधे हैं। इसी आधार पर आज हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हुए, जो इस देश में सभी धर्म, सभी जाति, सभी लिंग, सभी समुदाय के लोगों को बराबर का अधिकार देता है, उसको पढ़ते हुए हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। और भारत के संविधान का आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू चूज, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला है कि आपकी पसंद का अधिकार जो है वो आपका मौलिक अधिकार है, तो मैंने उसका इस्तेमाल करते हुए जब करीब 12 साल बाद आज वो दिन आया है जब हम लोगों ने नए जीवन की शुरुआत की, साथ में लेने का निर्णय लिया। राजश्री और दर्शन के अनोखे विवाह की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। जाति के बंधन और ऊंच नीच के भेदभाव को परे रख कर 7 जन्मों के रिश्ते में बंधने वाले वर वधु की लोग तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं काल को टालने की शक्ति सिर्फ महाकाल में है। इसी तरह की शिव भक्ति का एक अनोखा नजारा मकर संक्रांति के अवसर पर दमोह जिले में देखने को मिला, जहां एक पुलिसकर्मी ने जलकुंड में लेटकर 1 घंटे तक ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनके योग कर्तव्य का नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल यह एक योग क्रिया है जिसमें पुलिसकर्मी भगवान दास दाहिया को महारत हासिल है। दमोह के हिंडोलिया थाना की बिलाई चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक भगवान दास दाहिया को पानी में लेटकर कई प्रकार के कर्तव्य करने में महारत हासिल है। वह कई घंटे पानी में लेटकर इसी तरह के प्रदर्शन करते रहते हैं। मकर संक्रांति पर्व पर जागेश्वर धाम बांदकपुर में 60 फीट गहरे जलकुंड में भगवान जागेश्वर नाथ की भक्ति का अलौकिक दृश्य देखने को मिला। प्रधान आरक्षक भगवान दास दाहिया गहरे जल के ऊपर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 1 घंटा 10 मिनट तक पानी की सतह पर लेटे रहे, लेकिन वह पानी में डूबे नहीं। भगवान जागेश्वर नाथ की भक्ति का अलौकिक दृश्य स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस पर जहां लोग कई प्रकार की योग क्रियाएं करते हैं, तो वहीं 55 वर्षीय भगवान दास दाहिया नदी तालाब में इसी तरह पानी में लेटकर कई प्रकार की योग क्रियाएं करते नजर आते हैं। पिछले 15 वर्षों से वह इसी तरह पानी में योग क्रियाएं कर रहे हैं। उनके इस हुनर की तारीफ पूरा पुलिस महकमा करता है। वहीं अपने इस हुनर के चलते वे SP के हाथों कई बार सम्मानित हो चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए अमर उजाला ऐप को डाउनलोड करें।